बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको बेसिक मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है एलसीएम ट्रिक्स के ऊपर। हम यहाँ पे कोई एलसीएम लेने के रवायती तरीके डिस्कस नहीं करेंगे जिस तरह डिफरेंट बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन आज हम शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए एलसीएम को फाइंड करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ता है, तो फिर जो आपके पास ट्रेडिशनल वेज़ हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आपके पास, अगर आप उनके ज़रिए एलसीएम को कैलकुलेट करें तो आपको मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, और आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में टाइम की शॉर्टेज होती है। तो आज की जो आपके पास ट्रिक्स हैं ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसके ज़रिए आप बड़ी ईजीली सेकंड्स में आप डिफरेंट जो आपके पास टर्म्स होंगी, डिफरेंट जो आपके पास नंबर्स होंगे, आप उनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रिक पे आएँ, देखें ज़रा। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए, 6, 12, 24 एंड 48। स्टूडेंट्स, ये कुछ नंबर्स हैं, आपने यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, आप देखेंगे तो सबसे जो आपको बड़ा नंबर नज़र आएगा वो 48 नज़र आएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने देखना है क्या 48 को 24 डिवाइड कर पा रहा है। जी बिल्कुल। क्या 48 को 12 डिवाइड कर पा रहा है। जी बिल्कुल कर पा रहा है। 48 को क्या 6 डिवाइड कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर तमाम नंबर्स जो हैं वो 48 को, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है उसको, रिमेनिंग जो तमाम नंबर्स हैं वो डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इट मींस जो मैक्सिमम नंबर होगा वो फिर एलसीएम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 48। अब स्टूडेंट्स देखें, हम यहाँ पे आते हैं सेकंड ट्रिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे ज़रा देखें, 2, 3, 7 एंड 21, यहाँ पे भी आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आपने इन नंबर्स के लिए इनका एलसीएम फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें आपके पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स, वो 21 है। आप देखें क्या 21 को 7 डिवाइड कर पा रहा है। जी बिल्कुल। क्या 21 को 3 डिवाइड करता है। जी बिल्कुल करता है। क्या 21 को 2 डिवाइड करता है। द आंसर इज़ नो, 21 को 2 डिवाइड नहीं करता। तो फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने 21 को मल्टीप्लाई करके देखना है 2 के साथ। स्टूडेंट्स, 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, शाबाश, 42 आएगा। अब आप स्टूडेंट्स देखें, जो 42 आया है इसकी हम बात करते हैं। अगर आप 42 को चेक करें, क्या जो 21 है वो 42 को डिवाइड करता है। द आंसर इज यस, 7 करता है 42 को डिवाइड। जी बिल्कुल करता है। 3 करता है 42 को। जी बिल्कुल करता है। और 2 42 को डिवाइड करता है। द आंसर इज यस। जी स्टूडेंट्स, अब ये तमाम नंबर्स जो हैं ये 42 को डिवाइड करते हैं, तो इट मींस अब जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इसका, 42। और ये थी स्टूडेंट्स ट्रिक नंबर 2। अब स्टूडेंट्स आप आ जाएं ट्रिक नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे ट्रिक नंबर 3 में देखें आपके पास नंबर्स हैं कुछ, 3 है, 9 है और 21 है। स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 21। जी स्टूडेंट्स देखें ज़रा, क्या जो 9 है वो 21 को डिवाइड करता है। द आंसर इज नो, 9 21 को डिवाइड नहीं करता। जी स्टूडेंट्स, फिर आपने 21 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है। जी 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश, 42 आएगा। फिर आप देखें क्या 9 42 को डिवाइड करता है। द आंसर इज नो, 9 42 को डिवाइड नहीं करता। इट मींस अब की बार हम 21 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनफैक्ट हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जी 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 63। तो यहाँ 63 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 63 के लिए चेक करना है। जी स्टूडेंट्स देखें ज़रा, क्या 63 को 21 डिवाइड कर पा रहा है। जी बिल्कुल कर पा रहा है। क्या 63 को 9 डिवाइड करता है। बिल्कुल करता है। क्या 63 को 3 डिवाइड करता है। जी बिल्कुल करता है। ये तमाम नंबर्स जो हैं वो 63 को डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और ये थी स्टूडेंट्स ट्रिक नंबर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं ट्रिक नंबर 4, देखें 10, 20 एंड 30। जी स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है। जी 30 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है। अब आप देखें क्या जो 20 है वो 30 को डिवाइड करता है। द आंसर इज नो, 20 30 को डिवाइड नहीं करता। तो हम क्या करेंगे जी, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जी शाबाश, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम 60 को चेक करेंगे, हम 60 के लिए चेक करेंगे। ज़रा देखें क्या 60 को 30 डिवाइड करता है। जी बिल्कुल। क्या 60 को 20 डिवाइड करता है। बिल्कुल करता है। क्या 60 को 10 डिवाइड करता है। जी बिल्कुल, 60 जो है वो 10 पे भी डिवाइड हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये जो तमाम नंबर्स हैं ये डिवाइड करते हैं 60 को।
तो अब हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हुआ 60। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं ट्रिक नंबर 5 के ऊपर। यहां भी देखें कुछ नंबर्स हैं, 8 है, 24 है, 36 है, ये कुछ नंबर्स हैं आपके पास। अब आप देखेंगे आपके पास जो सबसे मैक्सिमम नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है, वो है 36। जी जरा फिर आप देखें, क्या 24 36 को डिवाइड करता है? जी शाबाश, सोचें जरा, द आंसर इज नो, 24 36 को डिवाइड नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जी अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें, द रिजल्ट इज 72। अब हम 72 के लिए चेक करेंगे। जी शाबाश, अब आप देखें, क्या 72 को 36 डिवाइड करता है? जी बिल्कुल करता है। क्या 72 को 24 डिवाइड करता है? जी बिल्कुल। क्या 72 को 8 डिवाइड करता है? जी बिल्कुल करता है। ये तमाम नंबर्स जो हैं वो 72 को डिवाइड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसलिए इन नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो 72 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ट्रिक नंबर 6 के ऊपर। देखें आपके पास कुछ नंबर्स हैं, 8, 11 एंड 16। सबसे जो मैक्सिमम नंबर है वो ज़रा देखें, 16 है। अब स्टूडेंट्स सोचें ज़रा, क्या 11 16 को डिवाइड करेगा? द आंसर इज नो। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, 8 तो 16 को डिवाइड करेगा लेकिन 11 16 को डिवाइड नहीं करेगा। स्टूडेंट्स 11 है प्राइम नंबर। जब स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आप सिंपली देखें, 8 तो 16 को डिवाइड करता है, ये तो गया। फिर आप जस्ट 11 और 16, जो मैक्सिमम नंबर है और प्राइम नंबर है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप आंसर लिखेंगे। शाबाश, 11 और 16 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 176। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपके पास एलसीएम आएगा वो आएगा 176। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एलसीएम के इस शॉर्ट ट्रिक की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।